हमने क्या किया है कि जो मैक्सिमम है ना उसको हमने मिनिमम बना दिया है, तो इस तरह से कि कोई मैक्सिमम नहीं कर रहा तो हम तो मैक्सिमम कर ही नहीं रहे, और फिर अपने आप को डिमिनिश करना कि हम जो है इतने अच्छे नहीं हैं। हम चुने हुए मतलब मुश्तवा हमने बताया था, तो लाइक हमें वो सारी क्वालिटीज़ दी गई हैं कि हम दीन का आगे काम कर सकें, लेकिन हमें मतलब लाइक नहीं लगता कि जैसे वो हमें हैं क्वालिटीज़, या फील नहीं होता लाइक कम्युनिकेशन स्किल मेरी लाइक बेसिक भी मेरी नहीं है। मैं ज़्यादा एक मतलब एक शख्स से ज़्यादा से ज़्यादा बात नहीं कर सकती, मतलब दो तीन लाइनों से ज़्यादा, तो लाइक वो फिर कैसे दावा का काम ये सब कैसे मतलब पॉसिबल। हर एक को स्पीकर नहीं बनना, लाइक बेसिक टीचिंग लाइक वन टू वन भी इजी नहीं है। हर एक को स्पीकर नहीं बनना, हर एक को टीचर नहीं बनना। कुछ लोगों को राइटर्स बनना है, कुछ लोगों को आर्किटेक्ट्स बनना है, कुछ लोगों को डिज़ाइनर्स बनना है। अल्लाह ताला ने हर एक को मुख्तलिफ स्किल सेट दिया है ना, हर एक को एक जैसा थोड़ी दिया। इवन साहबा में भी कुछ थे जो बोल नहीं सकते थे सही से, ठीक है ना। तो पहले तो अब इस हर इंसान को जायज़ा लेना चाहिए कि किस चीज़ में आप, हमारे यहाँ सबको पूरा अंदाज़ा है कि मेरी कमज़ोरियाँ क्या हैं, लेकिन किसी कभी इस तरफ जहन नहीं डालते कि अल्लाह ताला ने जो मेरे अंदर सलाहियत दी है वो क्या है, मेरे अंदर दिलचस्पी किस चीज़ में है, स्किल किस चीज़ में है। और अगर नहीं मालूम किस चीज़ में, तो हर चीज़ ट्राई करो और फेल करो, और जब तक कोई ना कोई चीज़ अपने बारे में डिस्कवर ना हो जाए, पता ना चल जाए, इक्तशाफ हो कि अच्छा ये चीज़ तो है, ये तो सलाहियत दी है अल्लाह ताला ने मुझे, तो कैसे पता चले, थोड़ा सा हिम्मत करके। नहीं, लेकिन इसी तरह ख्याल तो आता ही है ना कि जो लोग दीन का काम ज़्यादा कर रहे हैं तो फोर देर ऑन अ हायर लेवल। नहीं ना, ये खामखा का कंपैरिजन जो है ना, ये हमें नहीं करना चाहिए। बात ये मेरे नज़दीक बात ये है कि हम ना एक हाइपर कंपैरिजन सोसाइटी में हैं, तो हम हर चीज़ में अच्छा ये लोग तो इतना काम कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, ये तो ये कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक दायरे के अंदर पैदा किया है, और उस दायरे में उसको देखना है कि इस जो मेरी दुनिया आपकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है, ठीक है, आपकी दुनिया के बारे में आपसे सवाल होगा, मेरी दुनिया के से कंपेयर करके नहीं। आपका अपने रब से ताल्लुक़ है, और आपकी जो सूरत हाल है उसको जायज़ा लेके आपने कहना है कि इस सूरत हाल में बेहतरीन अमल में क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। बट वी आर ऑल्सो नॉट ट्राइंग आर मैक्स ना, बिकॉज तो हम बाकी चीज़ों में फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो मैक्सिमम तो नहीं ट्राई कर रहे फ्री टाइम को हम ड्यू टू आर वट एवर प्रोफेशन वी हैव। मैक्सिमम किसने कहा है मैक्सिमम ट्राई करो? अच्छा, ट्राई करो कहा है, मैक्सिमम थोड़ी कहा है। मैक्सिमम तो ठीक है, हर स्टूडेंट मैक्सिमम ट्राई नहीं करता, लेकिन ग्रेजुएट बहुत सारे होते हैं जो मैक्सिमम ट्राई भी नहीं करते, राइट। दीन में इस्लाम भी है, ईमान भी है, एहसान भी है, दर्जात हैं, ठीक है। एक इनक्रेजमेंट दी जा रही है कि बेहतरीन करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिनिमम स्टैंडर्ड मैक्सिमम है। हमने क्या किया है कि जो मैक्सिमम है ना उसको हमने मिनिमम बना दिया है, तो इस तरह से कि कोई मैक्सिमम नहीं कर रहा तो हम तो मैक्सिमम कर ही नहीं रहे, और फिर अपने आप को डिमिनिश करना कि हम जो है इतने अच्छे नहीं हैं, राइट। किसी ना किसी तरह इट्स अ वेरी सेल्फ डेप्रिकेटिंग कल्चर, जस्ट बीटिंग योरसेल्फ अप अ लॉट। I hope you guys enjoyed that video clip. My team and I have been working tirelessly to try to create as many resources for Muslims to give them first steps in understanding the Quran, all the way to the point where they can have a deep, profound understanding of the Quran. We are students of the Quran ourselves, and we want you to be students of the Quran alongside us. Join us for this journey on bayinatv.com, where thousands of hours of work have already been put in. And don't be intimidated, it's step by step by step, so you can make learning the Quran a part of your lifestyle. There's lots of stuff available on YouTube, but it's all over the place. If you want an organized approach to studying the Quran beginning to end for yourself, your kids, your family, and even among peers, that would be the way to go. Sign up for bayinatv.com.